चलिए एक्सरसाइज 15 है और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे 3 नंबर से सवाल को, ठीक है। 3 नंबर की सवाल देंगे, 3 नंबर की सवाल को पढ़िए और ध्यान दीजिए क्या किताब में कह रहा है, उस सवाल को किस ढंग से बनाएंगे। कह रहा है 2 सीएम किनारे वाले एक घन को 1 सीएम किनारे वाले 8 घनों में काटा गया है, बताइए इनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है ना। 2 सीएम किनारे वाले एक घन को 1 सीएम किनारे वाले 8 घनों में काटा गया, बताइए इनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन है। तो इसको हल करेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ऑब्जेक्टिव है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है, 2 सीएम किनारे वाले है ना, 2 सीएम किनारे वाले एक घन को 1 सीएम किनारे वाले 8 घनों में काटा गया, ठीक है। तो सबसे पहले घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो इस प्रकार से लिख देना 6 गुना भुजा स्क्वायर। 2 सीएम किनारे वाला भुजा है, किनारे मतलब भुजा, तो 6 × 2 का स्क्वायर हो गया 2 सीएम किनारे वाले घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और उसमें से 1 सीएम किनारे वाले जो है ना वो 8 घनों में काटा गया है, कितना घनों में काटा गया है 8 घनों में। तो सबसे पहले 1 सीएम किनारे वाला है तो इसमें लिख देना 6 × 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हुआ 1 सीएम जो है ना घन जो है उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ, 1 सीएम जो घन का किनारा है इसका क्या हुआ कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ, और इसमें कितना ऐसे घन है तो 8 घन है, तो गुना 8 भी करना है, 8 गो घन है 1 सीएम वाला। तो सबसे पहले 1 घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो है ना 1 सीएम वाला का हो जाएगा 6 × 1 का स्क्वायर, 8 गो घन है तो 8 से गुना कर देना है। अब इसको हल कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा कितना 2 का स्क्वायर 4 × 6 तो कितना होगा 24 होगा, माइनस यहां पर देख लीजिए 8 × 4 कितना होगा 48। तो आंसर इसमें देखिए तो क्या दिया गया, आंसर कितना दिया गया 48। तो इसमें इतना नहीं डायरेक्ट, तब इतना करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना होगा, ये लिख देना है बस कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखने के बाद आपको 6 × 1 का स्क्वायर करना है, 1 सीएम किनारे वाला का कह रहा है 8 गो घन है तो 8 से गुना कर देना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 48, यहीं से हो जाएगा सीएम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए तो 3 का दूसरा इसी टाइप से आपको बना लेना है, ठीक है ना। तो 3 का दूसरा का आंसर देखिए तो कितना दिया है 162। तो क्या होगा, तो 27 × 6 कितना हो जाएगा, देखो तो 27 × 6 162 होता है, 27 × 6 कितना होता है, हो जा रहा है ना। तो सेम टाइप से आपको करना है, इसमें भी उसी टाइप का सवाल है। अब देखिए दूसरा नंबर का भी सवाल इसी टाइप से, क्या कह रहा है 3 सीएम वाले घन को 1 सीएम किनारे वाले 27 घनों में काटा गया, उसमें 1 सीएम किनारे वाले घनों को कितना भागों में काटा गया 8 घनों में काटा गया। तो इसमें यही लिखना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो 1 सीएम घन का किनारा है ना तो 6 × 1 का स्क्वायर गुना कितना कर देना है 27, तो ये हो जाएगा 6 × 27 162 सीएम स्क्वायर आंसर हो गया।
ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन हो गया। चलिए तीन का दूसरा हो गया, इसमें चार नंबर पे आएंगे अब, ठीक है, चार नंबर के सवाल पे आएंगे। चार नंबर के सवाल में कह रहा है एक कमरे की लंबाई, ठीक है ना, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 12 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर दिया है। तो कमरे की लिख देना है विमाएं, कमरे की विमाएं, विमाएं, कमरे की विमाएं, मतलब L बराबर ऐसे लिख देना है 12 मीटर लंबाई है, 12 मीटर चौड़ाई मतलब B बराबर 4 मीटर, ठीक है, और ऊंचाई मतलब H बराबर कितना, 3 मीटर। तो कह रहा है उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जो इस कमरे में रखी जा सकती है, ठीक है ना। एक घर है और घर का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, ठीक है ना। अब कह रहा है उस घर में जो है ना कितना बड़ा से बड़ा छड़ को रखा जा सकता है, कितना बड़ा से बड़ा छड़ को रखा जा सकता है। अब बताइए ऐसे ऐसी छड़ रखेगा तो मतलब कम लंबाई का होगा, जब ऐसे ऐसे छड़ रखेगा तो बड़ा लंबाई का होगा ना, इस कोना से इस कोना रखेगा तो छड़ का लंबाई बड़ा हो, बड़ा हट जाएगा ना इसमें, ऐसे रखेगा तो मतलब नहीं ना हटेगा, ऐसे रखेंगे तो हट जाएगा ना। तो बड़ा से बड़ा छड़ की लंबाई कह रहा है मतलब विकर्ण कह रहा है, इस छोर से उस छोर को मिलाई तो क्या हुआ, विकर्ण ही हुआ ना। तो एक कमरे का जो विकर्ण होगा उसी का लंबाई का उसमें छड़ जो है ना बड़ा से बड़ा आ सकता है। तो यहां पर लिख देना है, हाँ लिख देना है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर, लिखे है ना, क्या होता है रूट अंडर एल स्क्वायर जोर बी स्क्वायर जोर एच स्क्वायर, एल स्क्वायर जोर बी स्क्वायर जोर क्या एच स्क्वायर। चलिए तो ये लिख दिए, उसके बाद रूट अंडर क्या होगा, एल का मान क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस एच का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब इसको यहां हल कर दे रहे हैं तो क्या होगा, रूट अंडर 4 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब इसको हल कर देना है तो ये हो जाएगा 16 9 25, 25 इसमें जोड़ेंगे 169 हो जाएगा, जोड़ लो तो लोग 16 9 25, 25 144 तो 169 हो जाएगा, 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, 13 मीटर, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहीं पर हम पांच नंबर भी बता दे रहे हैं आपको, पांच नंबर, ठीक है, पांच नंबर में कह रहा है किसी घन का प्रत्येक किनारा, घन का प्रत्येक किनारा मतलब घन का प्रत्येक भुजा 10 सीएम है, तो यहां लिख देना घन का भुजा, घन का भुजा बराबर कितना है 10 सीएम, 10 cm, ठीक है। उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, एक नंबर में कहा घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ना, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या पढ़े हैं, 6 × भुजा स्क्वायर 6 × 10 का स्क्वायर 6 गुना भुजा स्क्वायर सूत्र होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 गुना 6 तो कितना होगा 600 cm स्क्वायर आंसर हो जाएगा घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। फिर कह रहा आयतन,
दो नंबर में क्या कह रहा, आयतन, मतलब किसका आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, भुजा क्यू, मतलब 10 का क्या हो जाएगा क्यू, 10 का क्यू मतलब 10 तीन बार गुना होगा, 10 गुना 10 गुना 10, तो तीन बार गुना होगा तो कितना हो जाएगा 1000 ना, 1000 cmq आंसर हो जाएगा। चलिए पांच नंबर का यहां से कंप्लीट हो गया। अब सीधे आना है 6 नंबर की ऑब्जेक्टिव पर, 6 नंबर की ऑब्जेक्टिव पे आना है, 6 नंबर में कह रहा है 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी 6 मीटर भुजा है, है ना, हवा का आयतन निम्नलिखित में से कौन सा होगा, हवा का आयतन निम्नलिखित में से कौन सा होगा, लिख देना है वर्गाकार कमरे, वर्गाकार कमरे की विमाएं, वर्गाकार कमरे की विमाएं, ठीक है, तो इसमें लंबाई L, लंबाई जो है ना वो 6 मीटर होगा, ठीक है, और इसमें कारा वर्गाकार 4 मीटर ऊंचाई है, तो इसमें ध्यान रखना है कि 4 मीटर ऊंचाई एक वर्गाकार कमरे, तो इसका तो B बराबर भी 6 मीटर होगा, चौड़ाई भी 6 मीटर होगा, वर्गाकार है तो लंबाई चौड़ाई बराबर होगा, उसके बाद ऊंचाई दिया है H बराबर कितना 4 मीटर, ठीक है, तो इसका कारा आयतन, तो वर्गाकार कमरे का आयतन लिख देना है, वर्गाकार कमरे का आयतन मतलब घनाभ का आयतन, LBH, L का मान कितना 6 गुना B का मान 6 गुना H, अब इसको हल कर दीजिए, छा के छत्तीस अगुना 4 तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 4 तिया 12, 1 4 तिया 12, 2 नहीं, कितना हो जाएगा 36 4 तिया 12, 36 गुना 4 कितना होगा 144 मीटर क्यूब, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलिए 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर की सवाल को समझिए, कह रहा एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया, कितना 2 लीटर, दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन से जो 20 cm लंबा, हाँ 15 cm चौड़ा और 5 cm गहरा था, एक बार माप कर दे दिया, ठीक है ना, निम्नलिखित में से चुने गए उसे कितना कम या ज्यादा दूध मिला, ये पूछ रहा। तो सबसे पहले आयताकार बर्तन की जो विमाएं हैं उसको लिख देना है, आयताकार बर्तन, आयताकार बर्तन की विमाएं, आयताकार बर्तन की विमाएं L बराबर 20 cm, B बराबर चौड़ाई 15 cm और ऊंचाई मतलब गहरा जितना वो ऊंचाई हो जाएगा H बराबर 5 cm, ठीक है, ये लिख देना है। अब लिखना है बर्तन का आयतन,
लिख देना घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, एल बी एच, एल बी एच, एल का मान कितना 20, गुना एच का, बी का मान कितना 15, गुना एच का मान कितना 5। अब इसको हल कर दीजिए, कितना होगा 15 × 5 = 75, 75 गुना 2, 75 × 150 तो कितना हो जाएगा 1500 ना जी, 1500 क्या हो जाएगा CMQ, ठीक है 1500 क्या हो जाएगा CMQ। चलिए अब यहां देखिए, यहां समझिए, 1000 CMQ बराबर क्या होता है ना, 1 लीटर होता है, इसमें हिंट किया है, क्या होता है 1 लीटर होता है, 1000 CMQ बराबर कितना होता है 1000 लीटर होता है, ठीक है ना। तो 1 CMQ में कितना लीटर होगा 1/1000 लीटर होगा, ठीक है ना, 1000 लीटर होगा, ऐसे 1/1000 लीटर, इसलिए इसलिए 1500 CMQ है, 1500 CMQ, 1500 CMQ बराबर कितना लीटर होगा, तो 1/ कितना 1000 गुना कितना बताइए 1500 हो जाएगा, 2 0 2 0 इसका कट जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1.5 लीटर, ठीक है ना, 1.5 लीटर हुआ। और उसको दूध लेने के लिए वो कितना गया लड़का, 2 लीटर, दूध कितना लेने गया 2 लीटर, मिला कितना दूध लीटर 1.5 लीटर, बर्तन इतना का है तो लीटर, इतने लीटर दूध उसमें आएगा ना, तो एक बार नाप के दे दिया तो 1.5 लीटर दूध हुआ ना, तो कितना लीटर इसको दूध ज्यादा मिला या कम मिला, ज्यादा मिला कि कम मिला, कम मिला, तो कितना कम मिला बताइए, अतः क्या लिखेंगे बताइए, अतः लिखेंगे हाँ 2 लीटर, 2 लीटर ना, 2 लीटर माइनस 1.5 क्या लीटर, लीटर कम दूध मिला ना, कम दूध मिला तो कितना हो जाएगा 0.5, मतलब आधा लीटर कम मिला, आधा लीटर क्या हुआ कम मिला, तो आधा लीटर का मतलब क्या हुआ जी 500 CMQ ना, 500 CMQ, 500 CMQ, 500 CMQ कम दूध मिला, अगर इसको क्यू मतलब आयतन में लिखेंगे तो, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कौन सा ऑप्शन बताइए, बी ऑप्शन हो जाएगा ना, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब होगा 8 नंबर का सवाल, ठीक है 8 नंबर का सवाल देखें क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयताकार तालाब की लंबाई 20 मीटर चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर हो तो इसमें कितना किलो लीटर, कितना किलो लीटर पानी आ सकता है, किलो लीटर पानी आ सकता है, तो इसके लिए भी आयतन लिखना पड़ेगा, पहले यहां लिख देना आयताकार तालाब की लंबाई, आयताकार तालाब, आयताकार तालाब की विमाएं, विमाएं आयताकार तालाब की विमाएं L बराबर कितना 20 मीटर, 20 मीटर L बराबर कितना 20 मीटर, B बराबर कितना 15 मीटर चौड़ाई है और ऊंचाई कितना है 10 मीटर तो क्या होगा H बराबर 10 मीटर, ठीक है, तो कितना किलोलीटर पानी आ सकता है, इसके लिए सबसे पहले आयतन लिखना पड़ेगा,
तो यहां लिख देना पड़ेगा क्या घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या सूत्र होता है एल बी एच, एल बी एच, ठीक है ना, एल बी एच। तो एल का मान कितना 20 गुना 15 गुना कितना 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 15 गुना 30 300 और गुना 10 3000, 3000 मीटर क्यू आयतन हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर लिखा गया है चूंकि एक मीटर क्यू में कितना लीटर होता है, कितना किलो लीटर होता है, तो एक किलो लीटर होता है, एक किलो लीटर होता है, किलो लीटर, एक किलो लीटर होता है, इसलिए कितना, तो 3000 मीटर क्यू बराबर कितना किलो लीटर हो जाएगा, तो 3000 किलो लीटर हो जाएगा, किलो लीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 8 नंबर का आंसर देख लीजिए हो गया, ठीक है। 9 नंबर की सवाल को आते बनाइए, कह रहा एक घन का घनफल मतलब घन का आयतन, घन का घनफल मतलब घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन मतलब घनफल, ठीक है ना। 13 31 मीटर क्यू है, क्या है मीटर क्यू, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू बराबर 13 31 लिख देंगे, 13 31, तो यहां से भुजा बराबर क्या लिख देंगे, तो ये क्यूब है, देखो पावर क्या है 3, और उधर जाएगा तो घनमूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा घनमूल, यहां पर 3 लिख देना, यहां लिख देना 13 31, ठीक है ना। तो ये 13 31 जो है ना इसका घनमूल निकाल देना, ठीक है ना, घनमूल निकालना है, तो 13 31 का खंड कीजिएगा, ठीक है ना, 13 31 का खंड कीजिएगा तो 11 गुना 11 121 हो जाता है, और गुना 11 करेगा ना फिर तो 13 31 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से 3 गो 11 गुना में आया 13 31 का खंड करने पर, तो 1 गो 11 बाहर हो जाएगा 11 मीटर, ठीक है ना, इसका भुजा हो जाएगा, जो कि इसमें पूछ रहा था इसकी एक कोर कितनी होगी मतलब इसकी भुजा क्या होगी, तो ये आंसर हो गया, ठीक है, 9 नंबर हो गया। चलिए इसके बाद 10 नंबर में आते हैं, दस नंबर की सवाल को सीखिए। 10 नंबर का सवाल में कह रहा है 5 cm किनारे वाले, 5 cm किनारे वाले एक घन को 1 cm किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है, यानी कितने घनों में बांटा जा सकता है। हाँ, तो यहां लिख देना घनों की संख्या, घनों की संख्या बराबर, घनों की संख्या बराबर लिख देना है न, यहां पर लिख देना मूल घन का आयतन, मूल मतलब पुराना, मूल घन का आयतन, मूल घन का आयतन बट्टे नए घन का आयतन, नए घन का आयतन, इस ढंग से लिख देना है। तो घनों की संख्या जो है ना वो निकालना है, इसके लिए लिखे हैं मूल घन का आयतन बट्टे नए घन का आयतन, मूल घन मतलब 5 cm किनारे वाले घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, तो 5 का क्यू हो जाएगा, अब बट्टे नए घन मतलब 1 cm किनारे वाला है ना, 1 का क्यू हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इसको हल करेंगे तो
25 बटे एक का क्यू क्या होगा, एक, तो कितना घनों में विभक्त हो गया, 125, यानी डी ऑप्शन इसका हो गया। तो यहां तक जो भी सवाल था ना वो मिक्स्ड था, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव भी था सब्जेक्टिव भी था।